उन चश्मा वालों की दादी। अरे उनकी ना, और मैं उनकी गुनकी गुनई की। हाँ बैठा जा पीछे। अच्छा मैं हाँ नौकरानी। नौकरानी? हाँ नौकरानी नौकरानी नौकरानी। दसम वो करना आई है तुम्हें घर के ना करो मिच्छा चेना नरवाल। मर तो जाएगी मानना कोई मारा तो मारूंगी। कब ना मारे? चार बजे तक मर ले। अरे हाँ कब ना मारूंगी। तू साली बेकार कह रहे पीछे। तू बांधी है और मुंह से पूछ। तुम कौन हो? मैं बांधा हूँ। ये बांधा का चीज है? तू महाराज की धरी उठाई। मैं उगत तो महाराज की काय की धरी उठाई? महाराज की कुर्सी टेबल तक कतरे। अच्छा महाराज की कुर्सी करते इधर से उधर। तो तू तब एक बार बता तेरी तनखा कितनी है? मेरी मेरी कुल 5,000। तेरी तो तेरी उम्र देखे कचना है यहाँ 10,000 तो ठंडे में जा रहा है। ठंडे में? ठंडे में हाँ पीएफ। अच्छा ठंडे में पीएफ कट रहा हूँ। पीएफ और तनखा पूछ ले। तनखा कितनी है तुम्हारी? 50,000। तुम्हारी तनखा कितनी है? सही है तुम्हारी तनखा? एक नौकरी कर रही है। तो सर काम पूछ। का काम है? भारी काम कचरा है। कोई परेशानी ना कोई दिक्कत ना बिल्कुल कुछ ना हो तो आराम से करना पड़े। तो सही है ऐसी नौकरी से तुम्हें पसंद। और ऐसा कर ठंडे को मौसम और ठंडे में ही रहने। तो काम तो बताओ क्या काम है? जैसे हमारे महाराज जाता शिकार खेलने को गर्मी को महीना कोट पैंट पहनते और ऐसो लगाते टोपा। टोपा जैसे शिकार खेल के आए हारे थके और पसीना में उन्होंने एकदम कपड़ा उतार के फेंक दिए थे। तो कोट तो उठा के घुंटी पे टांग दे करिए टोपा भीतर ले जाए करिए। साली वो कचहरी में टंका है उसमें नंबर लिखे हुए हैं वो टोपा अंदर कचहरी में। मैं ना चला नहीं। चल पैसा ले लेते। मैं ना लगी अंधेरो ना लगी आंखें तर। चल पैसा ले ले। अरे 20 रुपया राज कश्यप छाट वाले कॉली आई के रहने वाली है। 20 रुपया हमारे लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। अरे भोली सुरतिया देखो है भैया की। अरे भोली सुरतिया देखो है भैया की। चुलब है भैया बेटा खाए। अरे कोना जान भैया इन रही सन को कौन सा पूजा काम है? सरैया के रहने वाले सुनील ये 10 रुपया ले रहे और पतोरा के रहने वाले सुनील यादव जी ये 20 रुपया दोनों ने हमारे लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। कह दे महाराज से बांधी आई है और मिलना चाहती है। हट जा देख ले मैं हाल महाराज से ही मिलेंगे। ठीक है। अरे बहारो जूत बरसाओ मे
घर तू महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज एक दासी आई है। क्या संदेश लाई है? लंबे बैगन को अचार लाई है। वो तुमसे मिलना चाहती है। जाओ इज्जत के साथ लेवा के लाओ। जाओ ए दासी ला इज्जत दे दे। इज्जत ना बना बताई होगी तुम्हारी लाइ कही होगी के बांदी आई है तो इज्जत के साथ बुला करके लेके आओ दरबार में। ये नहीं कहा होगा तो इज्जत लेके आओ। इज्जत देने की चीज होती है कोई? बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी। और तुम्हारे चप्पल ना पड़ गई तो औलाद गंदी पैदा होगी। चीज होती है इज्जत। हमारी तो चाचा फेरा लुट गई। तुम्हारी कोई मतलब ना। तुम्हारी चाहे दस फेरा लुट जाए इज्जत ही ना तुम्हारी तो लुटेगी। वो तो हटिए मैं भूल ही गई मैंने कहा कही यार। महाराज हाँ साले इज्जत मांगने भेजा मैंने तू हम जाऊ पिटे मैंने ये बोला था कि आप उसे इज्जत के साथ मेरे पास लेवा के लाओ। अरे मर गए तो मुंह पे एक हरू करता लगता। जाओ अंदर के ले ले वाला कचहरी में को। और तुम ताना नाना तब तक संदेशो मेरी रानी ने पठाई। क्या बात है ऐसी? महाराज मैं बता रही हूँ क्या बात है बताओ। अरे चलियो श्री महाराज तुम्हें और रानी बुलवा गए से और घंटे हो गए चार पेट में दर्द बतावे